हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं विदाउट फाउंडेशन मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस की क्लिंजिंग एंड टोनिंग कर ली है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये है सिटाफिल मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। इतना मेरी स्किन रेडी होती है। मैं अप्लाई कर लेती हूँ लिप बाम। मेरे पास है वादी का लिप बाम। अभी गाइज मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। मेरे पास है मेकअप स्टूडियो की कंसीलर पैलेट। ये मेरी फेवरेट पैलेट है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, HD कंसीलर है ये, अच्छी कवरेज देता है। तो जहाँ पे मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं अच्छे से कंसीलर यूज़ करूँगी। एंड जो स्पेस बचेगा फेस का उस पर मैं खाली ये ब्रश यूज़ करूँगी बिकॉज ब्रश में काफ़ी सारा प्रोडक्ट है। तो बहुत ही थिन लेयर में अप्लाई करूँगी और पूरे फेस की स्किन को मैं इवन कर लूँगी। काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन से मैच करता है। तो जब भी आप इस टेक्निक से काम करें तो कंसीलर आपकी स्किन से मैच करता हुआ ही होना चाहिए। एंड गाइज, अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं विट स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में काफ़ी टाइम देना पड़ता है, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 15 मिनट्स मिलते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेकअप स्टूडियो का प्राइमर। वीडियो मेरी वो लोड नहीं हुई और कैमरा ऑन ही नहीं था और मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया गाइस, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैंने लिया है पॉलिशिंग ब्रश, इसको बफर ब्रश भी कहते हैं। मेरे पास वेगा की किट है, काफ़ी अच्छी किट है। लास्ट 5 ईयर 6 ईयर से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। कुछ कुछ ब्रशेस ख़राब भी हो गए हैं बट कुछ बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने अगेन मेकअप स्टूडियो की पैलेट से लिया है डार्क कलर का कंसीलर। अगर आपके पास कंटूरिंग के लिए कुछ भी नहीं है तो आप डार्क कलर कंसीलर सॉरी कंसीलर से भी कंटूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो लाइन को, अपनी चिन को, अपने चिक्स को एंड अपनी नोज़ को और हल्का सा फोरहेड को कंटूर कर लिया है। आपने गाइस देखा होगा नोज़ के मैंने सिर्फ आगे वाले पार्ट को ही कंटूर किया है बिकॉज मेरी नोज़ जो है आगे से मोटी है और पीछे से पतली है, तो मोटे एरिया को ही मुझे हाइड करना है और उसको पतला दिखाना है, तो मैंने पीछे कंटूरिंग नहीं की और उसको अच्छे से वेट स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है NYX नेक्स का हाइलाइटर। ये नया ही हाइलाइटर है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छी कवरेज है। एंड इसको मैं ट्राइंगल शेप, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए, अदरवाइज़ मैं इतना एरिया कवर नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे फेस पे फाउंडेशन नहीं है और हमें अपने मेकअप को एक ग्लोइंग टच देना है, मेकअप काफ़ी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से इसको कवर कर रही हूँ अपने फेस को। यहाँ पर मैंने हाइलाइटर यूज़ कर लिया। हम लोग अपर लिप पे हाईलाइट करेंगे, अपनी चिन पे हाईलाइट करेंगे। गाइस देखिए कितना एरिया मैंने कवर किया है। अब ये हाइलाइटर मेरा अपर लिप, चिन एंड गाइस अब मैं करूँगी अपने फोरहेड को हाईलाइट एंड अपनी जो को हाईलाइट। जो लाइन हाईलाइट कर लिया है, फोरहेड अप्लाई हाईलाइट कर रही हूँ। नोज़ को हाईलाइट नहीं करूँगी बिकॉज मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी है और मोटी है, अगर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तो ये और ज़्यादा उभर जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। ये छोटी छोटी मेकअप की ट्रिक्स हैं या नॉलेज हैं जो आपको होनी चाहिए क्योंकि एक जैसा मेकअप आपको सब दिखाएंगे, मेकअप करने का तरीका एक ही होता है, बस कुछ चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं वेट स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी टाइम देकर। इन सब में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मेकअप में, आप जितना टाइम देंगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस रहेगा, सेट रहेगा और ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे अच्छे से सेट कर रही हूँ मैं अपने हाइलाइटर को। एंड गाइज, आपको अगर मेकअप करना है या सीखना है तो आप अपने ऊपर खुद से प्रोडक्ट लीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, पर थर्ड टाइम अच्छा होगा, फोर्थ टाइम और ज़्यादा अच्छा होगा और आप एक अच्छा मेकअप करना सीख जाएंगे। यहाँ पे मेरा हाइलाइटर जो है वो सेट हो गया है। गाइज, यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, मुझे पता है आप सब मैनेज ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज़।
तो यहाँ पे सेम हाइलाइटर को मैंने अपने आई लिड पर अप्लाई कर लिया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने लिया है, डॉट आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बट ये क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइज यहाँ पे मैंने लिया है स्टे क्विकी का ब्लशर, अमेजिंग ब्लशर है आजकल, ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही स्मूथ है और इसका टेक्सचर पाउडरी फॉर्म में है बट क्रीमी टेक्सचर है इसका, काफ़ी अच्छा है, मेरी ड्राई स्किन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मेरे फेस पे ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। सो आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके और कलर भी यूज़ करना चाहूँगी गाइस, आप इसको बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये और स्टे भी करता है, पिगमेंट भी अच्छा है, पिगमेंट आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड करते हुए ब्लशर को अप्लाई कर लिया है, मर्ज किया है मैंने अपनी कंटूरिंग के साथ एंड हल्का सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, चिन पे कर लेते हैं। सो गाइज ये है मेरी न्यू आई शेडो पैलेट, 40 कलर इसमें आपको मिलेंगे और ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं सेल्फी से वीडियो बना रही हूँ। सो ये है रिवर्सल पैलेट, इसको मैंने बाय किया इंस्टाग्राम से, रोलिशियस वन आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया है। यहाँ पर मैंने लिया है गाइज पीच कलर और उसको अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन कर लिया है एंड सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं उसको लाई हूँ क्योंकि मुझे कुछ और कलर ज़्यादा नहीं अप्लाई करने, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा फ्लपी ब्रश यूज़ किया है और उसको ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ मैं ले आई हूँ। सो गाइज इसको मैं अनदर ब्रश की हेल्प से, दूसरे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी जब तक कि ये ब्लेंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग प्रोसेस शुरू है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है, टाइम लेकर आपको ये चीज़ें सीखनी है। सो अब मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैंने लिया है पर्ल शेड एंड गाइस पर्ल शेड को मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए। मैंने पहनी है ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट, तो इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं, नॉर्मल टू फेयर स्किन वाले के लिए बहुत ही अच्छा आई कलर है। एंड पर्ल मैंने अप्लाई कर लिया अपनी आईलिड पर, पिगमेंटेड भी है आप देख सकते हैं ये पैलेट। अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं इसको दूसरे ब्रश की हेल्प से ताकि ये इवन हो जाए और अच्छे से स्प्रेड हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसलिए ब्लेंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे कुछ पिगमेंट कम लग रहा था तो मैंने एक बार और से उसको अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ गाइज मैं, सॉरी यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग करूँगी। एंड गाइज अगर आपको मेकअप में या लाइटिंग थोड़ी कम लगे तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है बिकॉज़ ये मैं अपने बेडरूम में बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ। सो ये ब्लेंडिंग हो गई है मेरी आई मेकअप की एंड अब मैंने एक थर्ड कलर लिया है जिसको मैं अपनी क्रीज लाइन को और डेप्थ देना चाहूँगी और उसको उभारना चाहूँगी, तो इसलिए थर्ड कलर से और ये दोनों कलर जो हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए एक का इसका आपको अनइवन लग रहा होगा और एक का इवन, तो इसलिए मैंने थर्ड कलर का यूज़ किया है। तो ये है कैम्बोज कलर, थर्ड कलर मैंने सेम पैलेट से उठाया है और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है एंड जब तक ये इवन नहीं हो जाते तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी टाइम लेकर। एंड गाइज अब मैं अनदर ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड भी कर लूँगी। सो मेरा आई मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन है और ज़्यादा कलर की मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैंने लिया है ब्राउन कलर जो मेरी आईब्रो को डिफ़ाइन करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा कलर है, आईब्रो डिफ़ाइन हो जाएंगी। मेरी आईब्रो वैसे ही डार्क हैं, बस मैं हल्का सा उसको शेप करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा कलर अपने ब्रश में नहीं लिया है। एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं शेप कर रही हूँ अपने आईब्रो को। सो इस तरीके से आप फिल करेंगे, जो आपकी आईब्रो की शेप है उसी शेप में आपको हल्का सा फिल करना है एंड देन मैं इसको ब्रश कर लूँगी गाइस ताकि मेरी आईब्रो जो है ब्रश हो जाए और इवन हो जाए। ये देखिए एंड बोल बोल के अब मैं गाइस थक चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का जेल लाइनर, नया ही है ये भी, इसको भी मैं लास्ट 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, स्टे करता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने नया मंगवाया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
ये भी नायका से बाय किया है, 300 समथिंग मिला है मुझे आफ्टर डिस्काउंट। वैसे इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। एंड इसके साथ जो ये ब्रश आता है, ये जो स्मजिंग ब्रश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास दो ब्रश हो गए हैं, एक पहले आया था और एक अब। पहले मैंने मॉल से ख़रीदा था, तो तब ये मेरे को 500 रुपीज़ में मिला था, पर नायका पे अच्छी डील थी तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है और मेरे को ज़रूरत भी थी। एंड मैं यहाँ पे इसी ब्रश की हेल्प से थिक लाइनर लगा रही हूँ गाइस, एंड उसको स्मज भी कर रही हूँ साथ साथ। और इसी जेल लाइनर को मैं काजल की तरह भी यूज़ करूँगी। जेल लाइनर को आप एज अ काजल भी लगा सकते हैं, तो काजल पे आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ से आप दो काम कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियो में मैं इसी से आपको कुछ आई इस पे भी अप्लाई करना सिखाऊंगी। अब मैंने लगा लिया है इसको एज अ काजल, और मैं अपने अंडर आई पे भी लगाऊंगी। काजल को थोड़ा थिक करूंगी मैं नीचे से एंड उसको स्मर्ज कर दूंगी। तो यहाँ पे शुरू हो गया है गाइस मेरा जो है काजल अप्लाई करना अंडर आई पे। एंड इसको हम सेंटर तक लगाते हैं और आगे तक इसको हम स्मज करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं स्मज कर रही हूँ इसी ब्रश की हेल्प से, क्योंकि ब्रश में ऑलरेडी कलर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप ना लें। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से लूँगी पीच कलर जो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, और इसको मैं अपनी अंडर आई पे पेंसिल ब्रश के हेल्प से शेडिंग करूँगी, ब्लेंड कर दूँगी उस काजल को, ताकि वो सेट भी हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहे और एक शेड भी मुझे मिल जाए। एंड देन मैं अगेन लगाऊँगी गाइस ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी स्मोकी लुक देने के लिए अपने अंडर आई को। काजल को उसको फिर से स्मर्ज कर दूँगी ताकि वो डार्क भी हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और लुक भी मेरी आईज़ का अच्छा बन जाए। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अगेन मैं ब्लैक कलर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से, जो मेरा लाइनर है उस पर मैं अप्लाई करूँगी, ताकि मेरा जो जेल लाइनर है वो अच्छे से और सेट हो जाए और लॉन्ग टाइम तक वो स्टे करे और थोड़ा डार्क भी हो जाए। डार्क है बट उसको स्टे करने के लिए, लॉन्ग लास्ट करने के लिए मैंने उस पर पाउडर ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया आई शेडो। ये मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का मस्कारा, कोई भी आई लैश हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसको आपको पार्टी मेकअप नहीं करना, कैजुअल में डेली वियर में हम लोग लैश अप्लाई नहीं करते। तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइज, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो भी अपनी अपलोड की है, आप उसको चेक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैं इतना अच्छा नहीं दिखा पा रही आपको, बट ये बहुत ही अच्छी वॉल्यूम देता है आपकी लैश को और स्टे भी करता है। यहाँ पे मैंने लिया है NYX का अगेन हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मेकअप से मैंने इसको लिया है। ये था 700 के आसपास का था और ये मुझे 375 रुपीज़ का मिला है या उससे भी कम। काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने अपने चिक बोन पे, अपनी आईब्रो आई बोन पे एंड फोरहेड नोज। एंड गाइस अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, मैंने ली है कलर बार की लिपस्टिक, ये भी न्यू लिपस्टिक है, नाम अभी याद नहीं है मुझे, इसके भी डेमो रिव्यू नहीं हुए हैं, पर अच्छी लिपस्टिक है। इसको मैंने पर्पल से बाय किया है, तो इसका भी डेमो मैं आपको ज़रूर दूंगी। और यहाँ पे मेरे से इस तरीके से नहीं लगी, तो मैंने फिर ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे को ऐसे मैं नहीं अप्लाई कर सकती अच्छे से लिपस्टिक, तो ब्रश की हेल्प से ही मैंने की है। मुझे हैबिट है ब्रश से लिपस्टिक लगाना। यहाँ पे मैंने लिया है क्रायलोन का ट्रांसलूसेंट पाउडर, काफ़ी अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसलिए मैं कोई और नहीं यूज़ कर रही जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि काफ़ी महंगे प्रोडक्ट आते हैं जिन इनको मैं खुद से ही ख़रीदती हूँ गाइस, तो इसलिए मैं जब तक पैसा वसूल ना करूँ तब तक इन्हें फेंकती नहीं हूँ या छोड़ती नहीं हूँ। पर काफ़ी अच्छा है ये, ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल टू फेयर स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है ये, बस वीटिश और डार्क स्किन, सॉरी डार्क और डस्की स्किन के लिए नहीं है, पर फेयर टू नॉर्मल स्किन वाले इसको ईजीली लगा सकते हैं। फिर से मैंने लिया है नेक्स्ट का हाईलाइटर टचअप के लिए, क्योंकि फाइनल मेरा लुक हो चुका है।
एंड गाइज मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करा, विदाउट सेटिंग स्प्रे ही मेरा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक।